सो ही फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं 3D जेली टॉफी। सो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि 3D रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे मैं टॉफी बना रही हूँ, जस्ट जेली। सो सबसे पहले आपको आउटलाइन कर लेनी होती है किसी भी मटेरियल जो भी आप बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने टॉफी की आउटलाइन कर ली है एंड यहाँ से हम प्राइमरी शेडिंग स्टेज 1 स्टार्ट करेंगे। एक कोट हम करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे ब्लेंड करते हैं कलर्स को। सो यहाँ पे जितना भी पिंक पोर्शन है वहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं पिंक कलर। पहले हम यहाँ पे लाइट पिंक कलर कर रहे हैं। सो इतना करने के बाद अब हम करेंगे रेड कलर। सो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बनी है रेड कलर की। सो हम रेड पेंसिल कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसे भी हम लाइट हैंड से ब्लेंड करेंगे एंड देन डार्कर शेड पे ले जाएंगे। सो हमने बहुत सारी 3D रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाई हैं, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उनकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ आई बटन से भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी सी कैडबरी की ड्राइंग भी है 3D रियलिस्टिक, सो आप यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं। एंड यस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो यहाँ पे रेड एंड पिंक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम ब्लैक कलर करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन मार्क कर दे रहे हैं, देन यहाँ पे मैंने आउटलाइन कर दी है जितना भी राइटिंग पोर्शन है, जस्ट जेली लिखा हुआ है। सो यहाँ पे उसे हम पेंसिल से हल्का हल्का सा लिख देंगे एंड उतना उतना पोर्शन छोड़ के हम ब्लैक कलर को फिल कर देंगे ताकि जब हम वाइट पेन का यूज़ करें। सो यहाँ पे जैसे मैं वाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ तो वो आसानी से हो जाए और वाइट पेन के ऊपर ब्लैक शेडिंग ना आए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज रिजल्ट बहुत ही सुंदर होने वाला है। एंड लास्ट में मैं आप लोग को दो ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि नेक्स्ट ड्राइंग कौन सी होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे यूज किया है ब्लैक पेंसिल कलर जो कि ज्यादा डार्क नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक स्केच कलर का यूज कर रही हूँ एंड देन हम अपनी शेडिंग करेंगे। सो शेडिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम वाइट पेन का यूज़ करेंगे। वाइट पेन से जितनी भी रिफ्लेक्शन है लाइट की वजह से उन्हें हम बनाएंगे वैसे ही। सो अब बारी है शेडिंग की जो कि लास्ट वर्क बचता है। सो यहाँ पे मैंने HB पेंसिल को घिस के जो पेंसिल का पाउडर होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे शेडिंग की है एंड यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है ताकि जो शेडिंग है बहुत ही स्मूथ हो। जितनी भी एक्स्ट्रा शेडिंग है उसे हम इरेज कर देंगे। टेंटरान, यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट रेडी है। बिल्कुल लग रहा है ना 3D रियलिस्टिक टॉफी। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यस, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि जस्ट जेली की 3D रियलिस्टिक टॉफी बनाइए। सो यहाँ पे मैंने जस्ट जेली की ड्राइंग बना दी है एंड यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ नेक्स्ट कौन सी ड्राइंग होनी चाहिए, ये लॉलीपॉप या फिर मेंटोस टॉफी। फटाफट से कमेंट करिए। ओके बाय।